का YouTube चैनल पॉलिटिकल एटलस। आज मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पेपर लेकर आई हूँ, जो आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है या आपको BA के थर्ड ईयर में पढ़ना है एंड मास्टर्स कर रहे हो तो वहां पर भी पढ़ना है। और कोई भी अगर आपका एग्जाम है जिसमें आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपका मेन पेपर है, एज आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो या फिर आपका एनुअल एग्जाम हो और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपको पढ़ना है, तो मेरा ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ट्रूली आप मेरी बातों पर यकीन करो, क्योंकि आज मैं यहाँ पे लेके आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, ओके, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम। अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं यहाँ लेकर आई हूँ और मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से बहुत सारे टॉपिक्स को कवर की हूँ थ्रू दी MCQ। और ये आज इसका जो वीडियो है Part 1 होगा, बहुत सारे टॉपिक्स है, सो एक वीडियो में कम्प्लीट नहीं हो पाता है। सो दैट मैंने आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर ये वीडियो प्रिपेयर किया है, क्योंकि मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि आपके एग्जाम आ गए एंड आपका कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है। तो एक ऐसा क्विक रिस्पॉन्स लेते हुए मैंने एक बोल सकते हैं कि एज अ वन लाइनर भी आपको ये वीडियो हेल्प करेगा आपके थ्रू आउट दी स्टडी के लिए, क्योंकि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है बहुत लेंदी है इसका सिलेबस और एक साथ इसको कवर अप करना भी मुश्किल हो जाता है। तो MCQs के थ्रू अगर आप पढ़ोगे तो मैंने यहाँ पे चैप्टर वाइज MCQs रेडी किया है एंड अबाउट 60 to 70 MCQs क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ ताकि आपको हेल्प मिल सके। और अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिएगा एंड प्लीज आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करिएगा। एक तरह से ये प्रैक्टिस सेट हो जाएगा जो आपको एग्जाम से पहले आप रिविजन भी कर सकते हो मेरे MCQs को पढ़कर। और ये आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, इट डजेंट मैटर आप RU से हो, आप CCS से हो, आप DU से हो, अगर आपके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपके पेपर हैं और MCQs टाइप क्वेश्चंस आपके आते हैं, आपको मेरा ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो बिना देरी किए मैं अपने इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और हम लोग समझते हैं क्या होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसमें मैंने जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मैंने जिन टॉपिक्स को कवर किया है, इसमें जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन, जिसमें इसके बहुत सारे अप्रोचेस हैं, जैसे कि आदर्शवादी दृष्टिकोण है, यथार्थवादी दृष्टिकोण है, इसका गेम थ्योरी है, संचार सिद्धांत हो जाएगा, या फिर इसका बोल सकते हैं कि निर्णय निर्माण का सिद्धांत है, या इसमें निशस्त्रीकरण के जो चैप्टर है उसको मैं यहाँ पे कवर की हूँ। ठीक है, और इसके Part 2 में मैं जो वीडियो आएगा, इसका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा Part 2, इसमें जो भी इसके और भी टॉपिक्स बच रहे हैं उसको मैं कवर अप करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को हेल्प करना। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है MCQs फॉर योर एग्जाम। ओके, तो और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको MCQs के साथ उसके आंसर्स को भी बताते चली जाऊंगी। तो टोटल यहाँ पे मैंने अराउंड 70 क्वेश्चंस को रेडी किया है। सबसे पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उदय डैश में हुआ, तो इसका आंसर होगा अमेरिका। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वतंत्र विषय मानते हैं, तो क्विंसी राइट मानते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति निर्माण की प्रवृत्ति कब प्रचलित हुई, तो यह प्रचलित हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आदर्शवादी उपागम मुख्य रूप से संबंधित है विश्व सरकार की आवश्यकता प्रतिपादित करने से, क्योंकि जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है, या अगर आप इसका वीडियो नहीं देखे हो तो प्रीवियस वीडियो आप जाकर देखो, उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है, ये विश्वास करते हैं मूल्यों पर, मान्यताओं पर और एक विश्व सरकार पर जहां पे कोई भी तरह का युद्ध जैसी स्थिति नहीं होगी। ठीक है, तो आपको वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दी हूँ, आप प्लीज वहां जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में आदर्शवादी उपागम के सबसे बड़े प्रवक्ता रहे हैं वुड्रो विल्सन। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक रहे हैं, तो ये सभी यानी कि गांधी, महात्मा गांधी, वुड्रो विल्सन एंड बर्टेड रसेल, ये तीनों आदर्शवादी दृष्टिकोण के सपोर्टर हैं। इस तरह से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। नेक्स्ट है कि परंपरावादी दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने वाले विद्वान है, यानी परंपरावादी दृष्टिकोण के अनुसार कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करता है, तो रेमो ओरा, इसका आंसर हो जाएगा रेमो ओरा। नेक्स्ट वन इज दैट, निम्न में से किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परंपरावादियों पर प्रहार किया गया, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परंपरावादी दृष्टिकोण पर किसने प्रहार किया है, तो आंसर होगा आपका मार्टिन कॉपलैंड।
चलिए नेक्स्ट है, आदर्शवादी दृष्टिकोण के प्रतिक्रिया स्वरूप किस दृष्टिकोण का उद्भव हुआ? तो वह था यथार्थवादी दृष्टिकोण, जिसे रियलिस्ट अप्रोच भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट कि यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रमुख समर्थक कौन है? तो सबसे प्रमुख समर्थक या सर्व प्रमुख समर्थक पूछा जाएगा तो मॉर्गेंथाउ ही इसका आंसर होगा। इनका पूरा नाम हैंस जे मॉर्गेंथाउ है। नेक्स्ट, यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को यथार्थवादी जो रहे थे विचारक, वो लोग शक्ति और संघर्ष के रूप में देखते हैं। जैसा कि मॉर्गेंथाउ का एक कथन ही है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति और संघर्ष के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मॉर्गेंथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कितने नियम बताए हैं? तो मॉर्गेंथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 6 नियम बतलाए हैं। इसे आप देख लेना कौन कौन है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन यथार्थवादी धारणा के साथ जुड़ा है? मैक्स वेबर, निकोलस स्पाइकमैन और थॉमसन जो है, ये केनेथ थॉमसन है, तो ये सभी जो है यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ जुड़े हैं। नेक्स्ट है, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस किसकी कृति है? तो यह जो बुक है ये मॉर्गेंथाउ की बुक है और ये शायद आपके एग्जाम में आया हुआ भी है, इसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। नेक्स्ट है, शक्तिवादी दृष्टिकोण किसे कहते हैं? तो शक्तिवादी दृष्टिकोण यथार्थवादी दृष्टिकोण को ही कहा जाता है, क्योंकि यथार्थवादी दृष्टिकोण में शक्ति पर ज्यादा जोर दिया गया है और यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष के अलावा और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, किसने यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ आदर्शवादी दृष्टिकोण का सामंजस्य किया, यानी कि किसने रियलिस्ट और आइडियलिस्ट अप्रोच को मिक्स करने की कोशिश की है? ये है जॉर्ज कैनन। ठीक है, इन्होंने दोनों दृष्टिकोण को एक साथ अध्ययन करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है, साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स, यह किताब किसकी है? तो ये बुक होंगे मॉर्गेंथाउ का। ठीक है, यह बुक भी मॉर्गेंथाउ की है। नेक्स्ट, यथार्थवादी दृष्टिकोण में विशेष जोर दिया जाता है किस पर? राष्ट्रीय हित पर, विदेश नीति पर, युद्ध पर या अंतर्राष्ट्रीय कानून पर? तो सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है राष्ट्रीय हित पर, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट पर। नेक्स्ट वन इज दैट द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस किसकी कृति है? तो यह जो बुक है ये क्विंसी राइट की बुक है। नेक्स्ट, मार्टिन कॉपलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के कितने मॉडलों का वर्णन किया? तो आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत भी पढ़ना है, सिस्टम अप्रोच भी पढ़ना है, जिस पर अपने विचार मार्टिन कॉपलैंड ने दिए हैं, और इसी व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत मार्टिन कॉपलैंड ने 6 प्रकार के मॉडल बताए हैं। नेक्स्ट है कि मार्टिन कॉपलैंड व्यवस्था के कितने तत्वों को विशिष्ट मानते हैं? तो वह इसके अंतर्गत 5 तत्वों को विशिष्ट मानते हैं और मॉडल इसके 6 हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा नंबर्स में। ओके, नेक्स्ट है कि मार्टिन कॉपलैंड द्वारा व्यवस्था के तत्वों में कौन सा शामिल है? पहला, व्यवस्था के आवश्यक नियम, दूसरा, नियमों का रूपांतरण, तीसरा, सामर्थ्य तत्व और चौथा, सभी। तो मार्टिन कॉपलैंड ने जिस व्यवस्था सिद्धांत की बात की थी उसमें ये सभी तत्व सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है, खेल सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये आ जाता है आपका गेम थ्योरी। तो गेम थ्योरी का सबसे पहला प्रयोग किया है जॉन वॉन न्यूमैन ने। नेक्स्ट है, कौन खेल सिद्धांत से जुड़ा है? मार्टिन कॉपलैंड, टॉमस शेलिंग, मार्टिन शेविक और सभी। तो इसमें तीनों जो है खेल सिद्धांत यानी गेम थ्योरी से जुड़े हैं, तो आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है, किस विद्वान द्वारा खेल सिद्धांत का प्रयोग गणितीय विधि के रूप में प्रयोग किया गया, यानी किसने गेम थ्योरी को मैथमेटिकली वे में समझाने की कोशिश की है या उसका प्रयोग किया है? तो इसका आंसर होगा मार्टिन शुविक। नेक्स्ट है, खेल सिद्धांत के कितने प्रतिमान प्रस्तुत किए गए हैं? तो खेल सिद्धांत के प्रतिमान या मॉडल जो है वो 4 प्रकार के बताए गए हैं। नेक्स्ट, कौन सा खेल प्रतिमान शुद्ध लाभ और हानि पर आधारित है? अगर आप खेल थ्योरी नहीं पढ़े हो तो आप इसे देख, अभी तो मैं यहाँ बता सकती हूँ गेम थ्योरी के बारे में या जो भी सिस्टम थ्योरी के बारे में, क्योंकि टाइम कम है और जल्दी से जल्दी मुझे आप लोगों को वीडियो भी प्रोवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे आपको डिफाइन नहीं कर सकती हूँ, सॉरी इसके लिए। बट इन फ्यूचर मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी और इसके जितने भी थ्योरी हैं, लाइक सिस्टम अप्रोच है, डिसीजन मेकिंग थ्योरी है, कम्युनिकेशन थ्योरी है या गेम थ्योरी, उस पर मैं आगे इस पे काम करूंगी और इस पे वीडियो जरूर बनाऊंगी। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ क्वेश्चंस को देखो और अगर आपको ज्यादा डीपली समझना है तो प्लीज आप बुक से देख लेना। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा खेल प्रतिमान शुद्ध लाभ और हानि पर आधारित है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा जीरो सम गेम। ठीक है, ये इसके पार्ट्स है, नॉन जीरो सम गेम, जीरो सम गेम, कॉन्स्टेंट सम गेम। ठीक है, आप इसे प्लीज देख लेना क्या क्या है, मैं यहाँ नहीं बता सकती हूँ अभी।
नेक्स्ट है, कौन सा खेल प्रतिमान में सहयोग और प्रतिस्पर्धा बनी रहती है? तो नॉन जीरो सम गेम में सहयोग के साथ साथ प्रतिस्पर्धा भी बनी रहती है। नेक्स्ट है, खेल सिद्धांत में यूएनओ की क्या भूमिका है? यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वह खेल सिद्धांत में एक रेफरी के रूप में अपनी भूमिका को निभाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे संचार सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है? तो विनर को, और इसका पूरा नाम है नॉर्बर्ट विनर, जिसे संचार सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। द नर्वस ऑफ द गवर्नमेंट की रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा कार्ल डॉइच, जिसने नर्वस ऑफ गवर्नमेंट की बुक लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, और इसने संचार सिद्धांत पर अपने विचार दिए हैं। नेक्स्ट है, संचार सिद्धांत के मुख्य समर्थक माने जाते हैं कार्ल डॉइच, विनर और मैक्लेलैंड, तो ये तीनों संचार सिद्धांत के सपोर्टर हैं। नेक्स्ट है, विनर यानी कि नॉर्बर्ट विनर ने किस आधारों पर संचार सिद्धांत का विकास किया? तो उसने किन किन आधारों को अपनाया है और संचार सिद्धांत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया? पहला है संदेश सिद्धांत, यानी कि जिसके थ्रू हम लोग संदेश भेज सकते हैं। दूसरा है साइबरनेटिक्स, तीसरा है फीडबैक सिस्टम। तो नॉर्बर्ट विनर ने इन तीनों आधारों को अपना के अपने संचार सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट है, सौदेबाजी सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं? तो टॉमस सेलिंग होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, विदेश नीति के संदर्भ में निर्णय निर्माणुपागम को लाने में किसने प्रयत्न किया? तो ये आ गया आपका डिसीजन मेकिंग थ्योरी या डिसीजन मेकिंग अप्रोच। लाने में प्रयत्न किया है हर्बर्ट साइमन ने, विलियम ड्राइकर ने या जेम्स रॉबिन्सन, तीनों ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, कार्ल डॉइच ने सिद्धांत में किन परिणात्मक तत्वों को जोड़ा है? तो उसने संचार सिद्धांत बताया था, इनके बुक भी है द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, ये रहा है ना कार्ल डॉइच का, जिसने संचार सिद्धांत दिया है। तो क्वेश्चन है कि कार्ल डॉइच ने संचार सिद्धांत में किन परिणात्मक तत्वों को जोड़ा है? भार, पश्चता, अभिलाभ, अग्रता, तो इन चारों को उसने जोड़ा, तो आंसर हो जाएगा आपका सभी। नेक्स्ट है, शक्ति संतुलन सिद्धांत को कौन आवश्यक मानता है? तो ये आ जाता है आपका नेक्स्ट चैप्टर, शक्ति संतुलन का सिद्धांत। ठीक है, तो इसको कौन आवश्यक मानता है? चर्चिल आवश्यक मानते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक युग में शक्ति की राजनीति यानी कि पावर पॉलिटिक्स के सिद्धांत का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो और कोई नहीं बल्कि मॉर्गेंथाउ को ही पावर पॉलिटिक्स में देखा जाता है, और इनके बुक का नाम ही पॉलिटिक्स अमंग नेशंस है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स किसकी देन है? तो ये आर्गेंस्की के द्वारा लिखी गई किताब है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स। नेक्स्ट है, शक्ति विदेश नीति के लिए किस रूप में प्रयुक्त होती है, यानी पावर को फॉरेन पॉलिसी के रूप में किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, साध्य, माध्यम, ये सब के रूप में नहीं, बल्कि साधन के रूप में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, युद्ध से ही राजा पैदा हुआ है, यह कथन किसका है? तो कई बार स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने इसे डाल दिया, और ये स्टेटमेंट हॉल का है। ओके, नेक्स्ट है, द ओरिजिन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसकी रचना है? तो ये सिडनी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रहित, अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका राष्ट्रहित यानी कि नेशनल इंटरेस्ट। राष्ट्रहित की अभिवृद्धि के साधन कौन कौन से हैं? युद्ध, कूटनीति, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, तो ये तीनों जो है राष्ट्रहित के अभिवृद्धि के साधन माने जाते हैं। नेक्स्ट है, शस्त्र शास्त्रों की कटौती से संबंधित प्रथम हेग सम्मेलन कब हुआ? तो ये क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चंस बन सकते हैं, एज अ वन लाइनर भी आप देखोगे तो दो तरह के आपको स्टेटमेंट यहाँ पे समझ में आ सकते हैं। पहला कि शस्त्र शास्त्रों की कटौती के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ? तो हेग सम्मेलन हुआ, और इसका हेग का सम्मेलन कैसा था? पहला हेग सम्मेलन था, और कब हुआ? तो 1899 में। तो शस्त्र शास्त्रों की कटौती के लिए सम्मेलन कौन सा है? हेग सम्मेलन है, और कब? 1899 में। इस तरह जो एमसीक्यूज है आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, आई होप। नेक्स्ट है, शस्त्र शास्त्रों की कटौती में तथा प्रतिबंध प्रारूप पर विचार के लिए 1932 में कौन सा सम्मेलन हुआ? अब दूसरा सम्मेलन हुआ 1932 में, तो ऐसे याद कर सकते हो कि शस्त्र शास्त्रों की कटौती से संबंधित जो सम्मेलन है तो वो पहला कब हुआ? 1899 में, और कौन सा हुआ? तो हेग सम्मेलन हुआ। दूसरा कब हुआ? 1932 में, और कौन सा हुआ? तो जिनेवा सम्मेलन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है निशस्त्रीकरण। तो क्वेश्चन है कि निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना कब हुई? तो इस आयोग की स्थापना 1952 में हुई थी। देखो कितने क्लोज ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है, रिवीजन कर लो अच्छे से। चलो नेक्स्ट है, खुला आकाश योजना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ऐसी योजना अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट है, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि कब हुई? तो यह 1963 में हुई थी। नेक्स्ट है, परमाणु अस्त्र अप्रसार संधि कब हुई? तो यह 1968 में हुई थी। नेक्स्ट है, सॉल्ट वन संधि किन राष्ट्रों के बीच में हुई? तो यह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ था।
नेक्स्ट है, सॉल्ट से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब है सामरिक सिद्धांत, जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। सीटीबीटी से क्या तात्पर्य है? ऐसे क्वेश्चंस भी आपके जनरली आते रहते हैं, तो सीटीबीटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। इसका आंसर होगा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं पता है? इसे हिंदी में व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि कहा जाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं वाले तथा नशीले शस्त्रों के विकास, उत्पादन व जमा करने पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि कौन सी थी? तो यह संधि थी जैविक शस्त्र समझौता संधि। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, रासायनिक शस्त्र समझौता कब हुआ? तो यह हुआ था 15 जनवरी 1993 को। ठीक है, नेक्स्ट है, स्टार्ट वन संधि कब हुई? तो यह जुलाई 1991 में हुई थी स्टार्ट वन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्था द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया गया? तो यह यूएनओ के द्वारा घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, निशस्त्रीकरण पर विश्व सम्मेलन कब हुआ? तो यह विश्व सम्मेलन 1987 में हुआ था, 1987 में हुआ। नेक्स्ट है, अणुशक्ति आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इस आयोग की स्थापना महासभा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटीबीटी को महासभा ने कब स्वीकार किया? तो 10 सितंबर 1996 को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सीटीबीटी यानी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध कहा जाता है पर कब हस्ताक्षर किया? तो देखा जाए तो सीटीबीटी पर इंडिया अभी तक हस्ताक्षर या साइन उस पे नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया? ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस रेगुलर आते रहते हैं। तो भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किया था 11 मई 1974 को। नेक्स्ट है, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में किसने अपनी सत्य सेवा प्रदान की थी? तो इसमें सोवियत संघ ने अपनी सेवा प्रदान की थी। नेक्स्ट है, 1904 में डागर बैंक घटना किससे जुड़ा है? तो यह घटना जुड़ा है ब्रिटेन और रूस से। नेक्स्ट है, कूटनीति यानी डिप्लोमेसी आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है। तो क्वेश्चन है कि कूटनीति से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर है कि साधारणता कूटनीति को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की राजनीति कहा जाता है। तो कूटनीति क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की राजनीति को कूटनीति कहा जाता है, ये इसका सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है, 1968 में कच्च का विवाद का निर्णय पंच निर्णय द्वारा हुआ, यह विवाद किन देशों से जुड़ा था? तो यहाँ पे आपको देखो 2-3 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। सबसे पहला कि कच्च का विवाद कब हुआ, तो 1968 में हुआ। दूसरा क्वेश्चन कि कच्च का विवाद का निर्णय कैसे लिया गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के थ्रू लिया गया या कैसे लिया गया? तो इसका निर्णय पंच निर्णय के द्वारा हुआ। और किन देशों के बीच में हुआ था यह विवाद, तो यह विवाद था भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, और कच्छ कहाँ है? यह गुजरात में है। चलो नेक्स्ट है, पंच निर्णय के लिए स्थायी न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई? तो पंच निर्णय के लिए स्थायी न्यायालय की स्थापना हेग में हुई है। नेक्स्ट है, डिप्लोमेसी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इस शब्द का प्रयोग एडमंड बर्क ने किया है। इस तरह से यहाँ पे 70 MCQs को मैंने आपके सामने रखा है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ पे ज़्यादा डील नहीं कर पा रही हूँ क्वेश्चंस के आंसर्स को, क्योंकि टाइम कम है और मुझे इसका पार्ट टू भी बनाना है और मुझे और भी क्वेश्चंस को रेडी करना है आपके एग्जाम के पर्पज से। मुझे और भी वीडियोज़ को रेडी करना है, इसलिए मैं इसके आंसर्स को बस बता दी हूँ, मैं समझा नहीं सकती, टाइम मेरे पास कम है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और कोई भी सजेशन होगा तो वो मुझे आप जरूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस के PDF भी चाहिए तो आप प्लीज मुझे बता देना, कमेंट डाउन कर देना, मैं इसके PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो चलिए अपने लेक्चर के एंड पे चलते हैं। आई होप कि इस तरह से मैंने जो क्वेश्चंस को रखे हैं, MCQs को रखे हैं, आपको हेल्प मिली होगी। ओके, तो आज का आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, मेरे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो अब इसके मैं पार्ट टू को लाऊंगी और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी कवर अप किए जाएंगे, जैसे कि सार्क है, आसियान है, और भी सारे टॉपिक्स हैं। मैं उन सभी टॉपिक्स को कवर अप करने की कोशिश करूंगी जो आपके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पेपर में आते हैं या आने के चांसेस हैं। ठीक है, और ये किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो और आपके MCQs क्वेश्चंस आते हैं तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हो एंड तक, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू वेरी मच।